अगर आप 45 इयर्स के हो चुके हैं तो आपको कोरोना वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज़रूरी। कोरोना वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। ये अभी हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी सूचनाएं और शिकायतें आ रही हैं कि जो ATM फ्रॉड से या फोन पे से या गूगल पे से कोई भी एक लिंक भेजी जाती है मोबाइल पर और उससे पैसे निकाल दिए जाते हैं, और इसमें जो फरियादी या आवेदक गण रहते हैं उनकी भी ये गलती रहती है कि वो उनको OTP शेयर कर देते हैं, उनको बार बार OTP बता देते हैं। इस चक्कर में उनसे कई शिफ्ट में पैसे निकलने की सूचनाएं प्राप्त हो रही है। तो हमारा ये निवेदन है कि सभी लोग जो बैंक के पास में पहले से आपके खाता, आपकी आपके आधार कार्ड और खाते के बारे में पूरी जानकारी है, कोई भी बैंक ऑफिशियली कभी आपसे आपके खाते की जानकारी नहीं पूछता है, और कोई भी आपको किसी भी संबंध में अगर ATM के से पिन, OPT या लिंक के बारे में कोई जानकारी मांगता है तो उसको देने से बचे। और फिर भी आपको अगर लगता है कि नहीं वास्तव में बैंक वाला है तो आप यहीं पड़ोस में बैंक में आ जाएं और ये जानकारी वहाँ उनको स्वतः खड़े होकर दे, न कि फ़ोन पे कोई OPT और पिन के माध्यम से बताएं। अगर OPT या पिन बता देंगे आप सामने वाले को तो हो सकता है कि आपके खाते थोड़ी देर में खाली हो जाए और आपके साथ में फोर्जरी हो जाए। और इसके लिए अभी भारत सरकार के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, वो नंबर को भी हमने फ्लैक्स करा दिया है शहर में, और आज हमारे द्वारा पूरे शहर में इस चीज़ का अनाउंस भी कराया गया है कि जो ATM फोर्जरी और जो लिंक से पैसे गायब हो रहे, फ़ोनपे के बारे से पैसे जो कट रहे हैं, तो इस संबंध में आज ATM से जो धोखाधड़ी हो रही है इसके संबंध में आज हम ऑफिशियली हम अनाउंस भी करा रहे हैं, बैंकों के बाहर बता रहे हैं, और जो हेल्पलाइन नंबर है भारत सरकार का फोर्जरी के संबंध में उसको भी हम फ्लैक्स करा रहे हैं थाने में, SDM कार्यालय और बैंकों के बाहर उसको हम फ्लैक्स करा रहे हैं। तो इसमें सावधानी बरतने की है कि आप जो अगर फ़ोन को बहुत अधूरी जानकारी है आपके पास में, बहुत ज़्यादा गूगल पे ठीक से नहीं चला पा रहे हैं या फ़ोन पे ठीक से यूज नहीं कर पा रहे, तो आप मत करिए, छोड़ दीजिए। और कोई भी ऐसी दिक्कत होती है तो आप बैंक में शाखा में तत्काल जाके संपर्क करें, क्योंकि आप एक बार OTP या आप गोपनीय पिन और लिंक नंबर अगर उनको बता देंगे तो आपका पूरा एक ही समय में आपका अकाउंट से खाता से पैसे गायब हो जाते हैं, और वो थोड़ी देर के बाद में फ़ोन फिर कॉल करते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद के बंद रहते हैं, तो ज़्यादातर नंबर उसमें झारखंड और बिहार और इधर के रहते हैं, तो काफ़ी परेशानी भी होती है। और हम लोग साइबर सेल से भी इसमें मदद ले रहे, ट्रेक आउट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शिकायतें आ रही हैं। तो इसमें ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन जाँच करने में एक लंबा समय लगता है, तो लोग सावधानी बरते, सावधानी से बरतने से हम लोग इस तरह के अपराध में या धोखाधड़ी होने से स्वयं भी बच सकते हैं और दूसरों को भी इस तरह का मदद करके बच सकते हैं।